नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे यूपी रेस चैनल में स्वागत है और आज फिर से देखने जा रहे हैं ग्राम दोरजी धरारा जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में जो 27 मई 2022 को भीमराव राव अम्बेडर पूर्वांचल चेतक प्रतियोगिता का आयोजन जो रखा गया था उसमें आए हुए गण अतिथि को फूलमाला से सम्मानित किया जा रहा है मैं आपको बता दू तो रेस मालिक बब्बी देवल और उनके भाई सनी देवल इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि फूलों से सम्मानित कर रहे हैं और जीएनपुर के मुन्ना राजभर जी जो है कि साथ में आप देख रहे हैं कि हरा सा शर्ट पहनकर वो भी बहुत ही अतिथियों को सम्मानित कर रहे हैं मैं आपको बता दूं अभी अभी फीता कटेगा और जल्द ही रेस कराया जाएगा आप सभी हमारे दर्शक महोदय इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें आपको हम स्टेप बाय स्टेप हर एक जानकारी बताऊंगा और वीडियो भी आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल के द्वारा अपलोड कर कर दिखाऊंगा मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे घोड़े दो दांत और नाकंद के बहुत ही थोड़ा कम जुटे थे और सबको एक में मिलाकर और एक बैच बनाकर फाइनल सीधे सीधे करा दिया गया और आप देख रहे हैं कि अभी फीता कटा है और फुलमाला से सम्मानित हो रहा है अभी टर्निंग पॉइंट से सभी घोड़े दो दाँत के और नाकंद वाले छूटेंगे जिसमें आपको बता दूं तो फर्स्ट स्थान प्राप्त किया घोड़ा इस रेस में पतरौली पांडे देवरिया जिला का घोड़ा जो घोड़े पर घोड़सवारी कर रहे थे धीरज यादव और मैं आपको बता दूं तो घोड़े मालिक का नाम था विनोद यादव बहुत ही लाजवाब इनका घोड़ा चल रहा है और मैं आपको बता दूं तो दो दात की उम्र में बहुत सी रेस भी यह घोड़ा जीत चुका है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर जगह का वीडियो अभी रखा हूं मैं दिखाऊंगा दो दांत वाले घोड़ों का रेस जो हुआ था और बड़ो घोड़ों का भी रेस जो हुआ था सबका वीडियो मेरे पास है आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता रहूंगा मैं आपको बता दूं आगे जो यह घोड़ा चल रहा है आप देख रहे हैं कि अबिल कलर का यह घोड़ा ग्राम पतेला जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश का है जो इस घोड़े मालिक का नाम है महंगी ऑपरेटर घोड़े पर घोड़सवारी कर रहे हैं गोलू बाबू जो बहुत ही कम समय का घोड़ा लेकर बहुत अच्छा बनाकर इस घोड़े में दूसरा स्थान प्राप्त किए जो घोड़ा अभी जल्द ही दो दांत लगा हुआ है मैं आपको बता दूं तो नाकंद घोड़ा लेकर तीसरे स्थान पर आए अपने उम्र में फर्स्ट माना जा रहा है लेकिन इस रे, इस रेस में तीसरा स्थान प्राप्त किए सवार नारायण यादव जो यूपी रेस चैनल के मालिक भी हैं और आपको बता दूं तो हर जगह का न्यूज आप सभी को दिखाते रहते हैं मैं आपको बता दूं तो यह घोड़ा था देवकली देवलास जिला मऊ उत्तर प्रदेश का जो घोड़े मालिक का नाम था रामविलास यादव और चौथे स्थान पर घोड़ा प्राप्त किया अपना मंजिल इस रेस में जो घोड़े पर घोड़सवारी कर रहे थे पीयूष यादव और घोड़ा मालिक का नाम था बालकिशुन राम जो ग्राम दुर्जी धरारा जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के हैं बहुत ही लाजवाब उनका भी घोड़ा चला यह रेस फाइनल चार राउंड की थी और दो दांत नाकंद का घोड़ा यह एक बैच बनाकर छोड़े गए और रेफरी के द्वारा बहुत ही रेस अच्छा हुआ मैं आपको बता दूं तो मुख्य रूप से रेफरी माने गए थे खैरुल बसर जो हमारे यूपी बिहार के खूब अच्छे सवार माने जाते हैं उनके द्वारा देख रेख में यह रेस सम्पन्न कराई गई दो में जो यह प्रथम वर्ष यह रेस हुआ ग्राम दुर्जी धरारा जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में और हर साल ऐसा ही रेस होता रहेगा मैं उम्मीद करता हूं और यह रेस मालिक भी उम्मीद करते हैं कि अच्छी खासी रेस और अगले साल हम लोग कराएंगे आप सभी घोड़सवार साथी अपना घोड़ा लेकर अगले साल जरूर इस रेस में पहुंचें और इस रेस का गरिमा बढ़ाएं और घोड़ों से अपना एक प्रतिभागी बनने के लिए पहचान बनाएं हमें उम्मीद है कि वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी और ये जानकारी आप सभी को अच्छा लगा होगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और रेस पूरी तरह से खत्म हुई और कुछ हमारे मित्रगढ़ साथी और जो यह घोड़ा फर्स्ट सेकेंड जीते हुए उनका तस्वीर आप सभी को मैं दिखा रहा हूँ आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में सवार के ऊपर और घोड़े मालिक के ऊपर लिख भी सकते हैं तो वीडियो देखने के लिए सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद